नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है और यह बहुत ही छोटा सत्र है और इसी में जनता हित के मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सारण जिले के एवासी सहस्तानंद राय। कैसे देख रहे हैं इसको, इस बार जो सदन चल रहा है विपक्ष का काफी दबाव भी है क्योंकि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार को लेकर के हंगामा सदन में देखने के लिए मिल रहा है, क्या कहेंगे? उससे बड़ा विषय है कि डबल इंजन की सरकार जो है, इंजन लगता है दो दिशा में लग गया है और गाड़ी को जो है दो अलग अलग दिशाओं में खींचने का प्रयास चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो है वो एक भाषा बोलता है और जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व जो है दूसरी भाषा बोलता है। तो जिस डबल इंजन के लिए बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे कि डबल इंजन जो है इस गाड़ी को बड़ी तेज़ी से एक दिशा में मजबूत ले जाके लेकर जाएगी, आज तो गाड़ी वहीं रुक गई है, दोनों इंजन जो है दूसरे को दूसरी तरफ खींच रहे हैं, ये तो चल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से शिक्षा को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार पर उंगली उठाई है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं संजय जायसवाल जी के अकेले बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखिएगा तो पूरी तरह से जो दो पार्टियाँ जो सरकार का हिस्सा है दोनों एक दूसरे को दूसरी तरफ खींच रही हैं। डबल इंजन जरूर लगा हुआ है लेकिन दोनों इंजन दो दिशाओं में जा रहा है, कोई अप जा रहा है तो कोई डाउन जा रहा है। और बिहार के रूपी जो ट्रेन जो है वो वहीं रुकी हुई है, 28वें पायदान पर जो खड़ी है आर्थिक मतलब की क्षमता में, उससे 28 से 27 तक नहीं पहुंच पा रही है और यही चल रहा है। अब तो दिखने लगा है लेकिन मैं समझता हूँ कि 2010 से मैं देख रहा हूँ, 2005-10 की बात मैं नहीं करूँगा, 2010 से अभी तक लगातार यही होता रहा है, भले ही अब खुल के आप लोगों के सामने दिखना शुरू हो गया है। क्या लगता है कि यह जो अभी प्रक्रिया जो चल रही है वो कब तक के चलेगी और कब तक के वो जो है थमने का नाम, क्या लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के बाद बिहार में भी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिहार जो है भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी एजेंडा में है। बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयोगशाला है और बिहार जाए भाड़ में भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेतृत्व तो कोई असर नहीं पड़ता है, वो देश के बाकी हर हिस्से के लिए कर रखी हुई है। और इस सरकार जो जिसको डबल इंजन सरकार समझती है बिहार की जनता, वो डबल इंजन दोनों दो दिशाओं में 2010 से लगातार चल रही है। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी सदस्य तब भी मैं कहता था कि सरकार ठीक नहीं चल रही, आज तो मुझे अधिकार है कहने का। जिस तरह से आपने अपने विभाग से बात को शुरू से रखते आए हैं और इस बार फिर जिस तरह से MLC टिकट को लेकर के जो चीज़ें सामने आई, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में सरकार चल रही है या फिर सरकार अपने मन से? भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर देने की औकात नहीं है। यहाँ पर जो नेतृत्व है बिहार में, जो नेतृत्व है वो कुछ वक्तव्य भले मीडिया के सामने देते लेकिन उनकी ये हैसियत नहीं है कि सरकार को उठा बैठा सके। वो तो साफ कह रहे हैं कि अगर समर्थन देना हो तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। इसके बावजूद अब समर्थन में खड़े हैं तो क्या बात करते हैं? क्या ऐसे में बीजेपी को हट जाना चाहिए? अब मैं इस सलाह नहीं दे सकता कि हटना चाहिए कि रहना चाहिए, लेकिन आप लोगों को स्वयं दिख रहा है क्या स्थिति है। लेकिन सत्यानंद राय जी, जिस तरह से जो मुद्दे हैं, आपका क्या कुछ इसमें सवाल रहेगा सत्र के दौरान? बिल्कुल रहेगा। एक तो जो ये अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, चाहे जो कर रहा हो, सत्तारूढ़ दल में सत्तारूढ़ गठबंधन में भी एक दल है और विपक्ष के भी सारे दल हैं, ये अग्निपथ का जो विरोध कर रहे हैं और जिस तरह का अराजकता का माहौल बना उसका समर्थन कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर अग्निपथ के साथ हूँ। आप उनके साथ हैं निश्चित तौर पे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे सारण जिले से निर्दलीय MLC सत्यानंद राय, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जिस तरह से बीजेपी अपना कार्ड खेल रही है बिहार में तो इससे कुछ नहीं होने वाला है और बीजेपी के लिए बिहार जो है प्रयोगशाला है और यहाँ वो अपने प्रयोगशाला के जरिए जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। खैर, सवाल रहा कि क्या दबाव में सरकार चल रही है, तो इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि सरकार दबाव में नहीं चल रही है बल्कि बीजेपी पिछलगुआ बन करके सरकार के साथ चल रही है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।